हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। मैं उमेश, इंडियन एवरीवेयर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। अंतालिया से कल रात को ही हम लोग आ गए थे पेनाकुले। ये है हमारा होटल, यहाँ स्विमिंग पूल सब था, बड़ा मज़ा आया हम लोगों को। जीत और रसल भाई ने स्विमिंग किया, तो चलिए आज पूरा सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग आ गए हैं अपने पहले लोकेशन पर जो है थर्मल पूल, तो वहीं जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही इंस्टाग्राम रील्स आपने इस जगह का देखा होगा, अभी आप हम लोग रियल में इसका अनुभव या इसका दर्शन करेंगे। ये देखिए क्या लंबा लाइन है, यहाँ बेबी स्ट्रोलर आप नहीं ले जा सकते हैं। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये देखिए कितना लंबा लाइन है। ये देखिए टिकट है 30 यूरो का, जितने लेकर आया अभी। ये देखिए टिकट काउंटर, अंदर आने के लिए कितना भीड़ लगा हुआ है। ऊपर जा रहे हैं ना, देखिए उसके पहले नीचे एक पार्क है, लेक है, जहां आप बोटिंग भी कर सकते हैं। फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं, लेकिन यहां पर आप जब आ रहे हैं ना, तो अरे पानी तो ठंडा है, आप अपना जूता या चप्पल खोल के आना पड़ेगा, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। यहाँ का एंट्री फीस जो है ना 30 यूरो है, मेरे लिए तो कुछ लग रहा कि ज़्यादा है, थोड़ा कम होना चाहिए था। क्या जीत अभी तक पता नहीं हम लोग क्या है ऊपर। हाँ 30 यूरो तो लेकिन महंगा है। क्या नज़ारा है यहाँ पर, और ऐसा लग रहा है कि स्नो हुआ है। यहाँ से देखिए सिटी और वो माउंटेन्स, और इधर पैराग्लाइडिंग हो रहा है ऊपर। ये देखिए पैराग्लाइडिंग वाले लोग, और यहाँ तो बहुत मज़ा है, एकदम जैसे लग रहा है किसी बर्फीले जगह पे आ गए हैं हम लोग। ये देखिए जो पानी है ना, कहीं ऊपर से आ रहा है, और जिधर भी जा रहे हैं ये देखिए पानी ही पानी। मेरे चारों तरफ देखे पानी, पहाड़, ओहो क्या अमेजिंग व्यू है। और धूप बहुत तेज लग रहा है, अच्छा है जितने सनग्लास लाया हुआ था, नहीं तो देखा नहीं जा रहा ठीक से। अब जब यहाँ आ रहे हैं ना, तो कोशिश कीजिएगा हाफ पैंट पहन के आने के लिए, तो इजीली पानी के अंदर आप जा पाइएगा, नहीं तो आपका पैर और भींग जाएगा, कपड़े भींग जाएंगे। यहाँ से देखिए गार्डन का व्यू, ये देखिए जगह जगह ने सब पूल टाइप का है, आप आके यहाँ नहा भी सकते हैं। ये देखिए कुछ लोग बच्चे नहा भी रहे हैं। मैं गलती कर दिया कि हाफ पैंट पहन के नहीं आया, आप जब आए ना शॉर्ट्स में आए, बहुत मज़ा आएगा। ऐसे पूल जैसा है बना हुआ है, सब लोग बड़ा नहाने का मज़ा ले रहे हैं। लेकिन इस लोकेशन पर कभी तकरीबन अभी जितने लोग हैं कम से कम 10,000 लोग होंगे, और नीचे मैं देख पा रहा हूँ कि अभी भी लाइन पे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, घंटों लाइन लगा के सब टिकट लेना पड़ रहा। हम लोग भी घंटों लाइन में लगे जाकर जाकर टिकट मिला। फाइनली एकदम टॉप पर आ गया मैं, और यहाँ से उस साइड भी जाएँगे जहाँ ऐसे ऐसे स्लोप्स बना हुआ है पानी का। और इस जगह में आके पेड़ पौधे भी हैं, आप चाहे तो थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। आप नीचे से आएंगे तो ऑब्वियसली थक जाएंगे ना, तो इधर बहुत सारे कैफेटेरियाज हैं जहां आप आकर थोड़ा नाश्ता पानी कर सकते हैं, और इस साइड का व्यू ज़ोरदार है, उसे भी आप इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेश जूस बन रहा है आपके आँख के सामने मशीन में। हम लोगों ने भी एक जूस ले लिया टाइम पास करने के लिए। नकी जीत जूस उस पी का हम लोग आ गए। इस जगह पे देखिए कैसा है, एक स्टेप बाय स्टेप कटा हुआ है माउंटेन के जैसा, और पानी पूरा नीला दिख रहा है यहाँ पे। ये जो पानी है ना, जहाँ नीचे ऊपर जो हमें भी जा रहे हैं देख रहे थे, ये नेचुरल नहीं है। देखिए यहाँ से छोड़ा जा रहा है, आपको दिख रहा होगा, और वही बह बह के एकदम नीचे तक जा रहा है। यहाँ क्या व्यू है, नहीं पानी में देखना खेलना कूदना हो जाए। यहाँ एक अच्छा गार्डन भी है, अब यहाँ आकर आराम से बैठिए, पहले रेस्ट लीजिए, फिर पीछे एक बिल्कुल मज़ेदार साइट है, वहाँ भी हम लोग जाएंगे थोड़ी देर में। इस हम लोग एक म्यूज़ियम में आ गए, जो वाटर देख रहे थे ना उसके जस्ट बाजू में है। Helopolis थिएटर फाइंडिंग, ये
खुदाई में मिला हुआ कुछ पत्थरें हैं यहाँ पर रखा हुआ। ये देखिए, चलो एंटिक पुल में चलते हैं, देखा जाए क्या रेट है क्या है। देखिए टिकट 200 लीरा का है। अगर आ रहे हैं ना, आपके टाइम है तो एंटिक पुल में भी आए और देखें कितने लोग स्विमिंग कर रहे हैं। आप भी स्विमिंग कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे देखिए कितना भीड़ है, कैफेज हैं और आप कुछ सोविनियर खरीदना चाहें तो भी ले सकते हैं यहाँ से, लेकिन भीड़ तो भरपूर है। यहाँ से एक्चुअल एंट्री है, अभी स्विमिंग करना चाहते हैं तो पोल्यूशन का एंट्री पॉइंट, ऑडिटोरियम का व्यू कुछ ऐसा है यहाँ से, उसके ऊपर भी जाएंगे। और ये जो पुराना शहर है उसका खंडहर इस जगह पे है। बहुत से सामान आपको यहाँ दिख जाएंगे जो खुदाई के टाइम पे मिले हुए हैं, इसी तरह यहाँ छोड़ दिया गया है। टर्किश बाथ है ना, बहुत फेमस है उस जमाने में ना, ये इलाका टर्किश बाथ के लिए बहुत फेमस था। तो ये वो जो उस टाइम के हमाम ये वो सारे आपको यहाँ दिख जाएंगे। काफी ऊपर चढ़ के जाना है स्टेडियम पे चढ़ने के लिए। मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, दम फूल रही है, लेकिन फिर भी जाएंगे तो जरूर हम लोग। जैसे चलकर आ गए थिएटर में और हमारे पीछे ये देखिए थिएटर है। और थिएटर का बात दिखाऊं अच्छे से, उसके पहले बता दूं यहाँ से सिटी का व्यू जोरदार आता है। ये देखिए ऑडिटोरियम का व्यू कुछ ऐसा है और ऑडिटोरियम के पीछे ये देखिए सिटी। ये देखिए ऑडिटोरियम, बीच में मैं खड़ा हूँ और ऊपर का व्यू कुछ इस तरह का है। ये देखिए, और नीचे देखें ऐसा है। काफ़ी देर हम लोगों ने ऑडिटोरियम में टाइम बिताया और काफ़ी उछल के आए थे हम लोग, जैसे आपने देखा। अब टाइम आ गया है हम लोगों को वापस जाने का। बहुत देर हम लोगों ने ऑडिटोरियम में टाइम बिताया, अब हम लोगों को नीचे उतर कर जाना है। दिक्कत है कि हम लोग खाली पैर चल के आए हैं और इसलिए चलने में भी दिक्कत है। चलिए नीचे चल के ही मिलते हैं।